नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजनीति के नाव पेज विषय पर। राजनीति नाव पेज में आगे बढ़ा खेल महोत्सव। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में होने वाला खेल महोत्सव श्रेय लेने से राजनीति के कारण कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत किए जाने के कारण छिंदवाड़ा विधायक ने 36 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला खेल महोत्सव को किया निरस्त। IPL 24 न्यूज के लिए आशीष कुमार। छिंदवाड़ा बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था, पर इस वक्त कांग्रेस के लोगों ने उसमें बड़ी आपत्ति उठाई। इलेक्शन कमीशन को शिकायत भेजना, हाईकोर्ट के अंदर उसकी रिट करना, कलेक्टर पे कमिश्नर के ऊपर में दबाव बनाना, ये चुनाव है, आप इस कार्यक्रम को मत कराइए। हमने उनसे आग्रह भी किया, गंगा तिवारी जी से, उनके जी से, लड़का भैया जिस अपने दीपक सक्सेना जी से, मैंने कहा आपको बहुत दिक्कत हो रही है, कोई ऐसा लगता है जिससे कोई बड़ा बड़ा राजनीतिक लाभ। मैंने कहा आप अध्यक्ष बन जाइए, आपकी अध्यक्षता में हम करा लेंगे, आपके अगुवाई में हम करा लेंगे, पर वो मानने को तैयार नहीं है। बार बार इनकी सब शिकायतें कर रहे हैं और इसके कारण जो खेल महोत्सव इसको हमने अभी स्थगित करके, यदि अब जनवरी में कोई अवसर मिला उस समय फिर कराने का हम प्रयास करेंगे। मगर ये अच्छी बात नहीं है, तो बहुत अच्छा खेल होता था, सबसे वो भी आए 3 साल, उन्होंने बहुत प्रशंसा की हर जगह, बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहा नगर जमा, बड़ा अनूठा है, पर खाली चुनाव हो जाएगा, बच्चे खेलते हैं, आप बच्चे खेलते हैं तो उसमें कौन सा राजनीतिक लाभ और नुकसान होने वाला है। हमारे सब घर परिवार के बच्चे खेलते थे, पर चुनाव की दृष्टि से एक अच्छे कार्यक्रम में विघ्न पैदा करना अच्छी बात नहीं है। भगवान उनको सदा, आज भी हमने आग्रह किया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप ये सब प्रपंच छोड़िए, आप आगे आइए, हम आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। कमलनाथ जी को अध्यक्ष बना दीजिए, कमलनाथ जी आ जाए, सक्सेना जी आ जाए, उपते जी आ जाए, गंगा भैया आ जाए, आप नेतृत्व कर लो, हम आपके नेतृत्व में काम कर लें। मगर ये खेल महोत्सव होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ बहुत 25,000 लोग, 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसको देखने के लिए। इसके कारण हमारे यहाँ खिलाड़ी कोई स्टेट खेल रहा, नेशनल खेले, विदेश तक लोग खेलने के लिए गए, तो खेल प्रतिभाओं को उभरने का यहाँ अवसर मिला, ग्राउंड हमारे अच्छे बने, संसाधन लोगों को अच्छे उपलब्ध हुए, और इसलिए मैं फिर आग्रह करूँगा कि अब उन्होंने आगे आगे इसकी अगुवाई करें और इस कार्यक्रम में रोड़ा ख़त्म करके इसको खुद स्वयं पहल करके इसको आगे बढ़ाएं। अभी जिन खिलाड़ियों का पंजीयन हो गया है तो क्या उनका क्या होगा, उनको क्या बनेगी, आचार संहिता खत्म होगी, फिर एग्जामिनेशन की झंझट है, फिर भी अगर अगर संभव होगा तो कोशिश करेंगे कि जनवरी में खेल महोत्सव।